वेलकम बैक टू वीडियो। सो बहुत सारे लोग ये क्वेरी थे कि भाई राउंड थ्री में कटअप जो बहुत माइनर चेंज हुए हैं, तो क्या राउंड फोर में किस टाइप के कटअप का वेरिएशन होगा। ओके सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको क्लियर बताऊंगा कि लाइक राउंड थ्री के बाद राउंड फोर में कैसा कटअप का वेरिएशन होगा, आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, कटअप कितना नीचे आ रहा होगा। ओके सो वीडियो को लास्ट तक देखो, और जो लोग अभी तक सीएसबी काउंसलिंग हेल्पडेस्क नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको राउंड सिक्स से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उसके बाद आपका प्राइस ट्रिपल नाइन हो जाएगा। ओके लिमिटेड सीट है तो जरूर ज्वाइन करिए, आपको उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके इस बार कटअप के वेरिएशन अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा। ओके डेली गूगल मीट होता है जिसमें आपने सारे डाउट्स कवर कर सकते हो। ओके सो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पूछ सकते हो। देखो जैसे अब मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि राउंड टू के बाद राउंड थ्री फोर फिफ्थ में ये तीन जो राउंड होते हैं ना, इसमें जो कटअप का वेरिएशन होता है आपके थोड़े थोड़े कटअप वेरी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राउंड थ्री के बाद आपके राउंड फोर में, मतलब मान लेते हैं अगर किसी राउंड थ्री में किसी भी कॉलेज का क्लोजिंग 5,000 है तो आप 6,000 6,500 ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होगा? राउंड फिफ्थ के बाद होगा। मतलब अगर 5,000 क्लोजिंग है तो मान सकते हो कि 200 300 या 400 आप कटअप नीचे आ सकते हैं आपके राउंड फोर में। समझ में आया? अब जैसे मान लो जनरल कैटेगरी में होगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आएगा कैटेगरी वाइज, कोई अगर ओबीसी कैटेगरी है फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी तो थोड़ा सा कम आएगा, 200-300 का अंतर आएगा। ओके तो इस तरीके से कटअप का वेरिएशन हो सकता है राउंड फोर में। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कटअप का वेरिएशन नहीं आएगा, कटअप का किसी किसी वेरिएशन भी आ सकता है जिसमें मान लेते हैं सीट वैकेंट होगा। ओके और दूसरा डाउट बहुत सारे लोग ये है कि भैया राउंड टू के बाद राउंड थ्री में बहुत सारे कॉलेज के जो ब्रांचेज हैं किसी कैटेगरी में आपके कटअप सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो कॉलेज का पर्टिकुलर ब्रांच है उसमें सीट फुल हो गया होगा पर्टिकुलर कैटेगरी में। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो लाइक राउंड फिफ्थ सिक्स में आते आते उसका कटअप नीचे नहीं जाएगा। देखो उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपर ब्रांच फिल किए होंगे, तो उनको जैसे वो मिलेगा वो वैकेंट होगा तो आपको वो मिल सकता है। तो डेफिनेटली कटअप धीरे धीरे राउंड थ्री के बाद घटता है, राउंड फिफ्थ तक थोड़ा सा सैचुरेशन दिखता है। आप पिछले साल भी कंपेयर कर सकते हो 2022 में, इस बार भी वैसे ही दिख रहा है। ओके और राउंड वन राउंड में तो काफी ज्यादा कटअप घटा ही था, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो हर साल हर राउंड में ही यहां पे कटअप नीचे है। तो राउंड फिफ्थ तक थ्री फोर फिफ्थ तक आपके कटअप थोड़े थोड़े चेंज होंगे डेफिनेटली, बट राउंड सिक्स तक आते आते डेफिनेटली आपको डिजर्विंग ब्रांच मिल रहा होगा। ओके सीएसबी काउंसलिंग में तो और कटअप नीचे जा रहा होगा। ओके सो जरूर ज्वाइन करेगा सीएसबी काउंसलिंग हेल्पडेस्क, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस